नए वर्ष या किसी भी पर्व पर लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं। शनिवार को नए साल के अवसर पर पैडलेगंज से नौका विहार तक लोगों की भारी भीड़ लगी रही। इसी कारण जाम जैसी समस्या बनी रही तथा ट्रैफिक पुलिस ने चंपा देवी पार्क के पास बैरियर लगाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में लगी रही ताकि किसी प्रकार की जाम की समस्या न हो। जिसके संबंध में SP ट्रैफिक इंदु प्रभात सिंह ने बताया कि नए वर्ष के अवसर पर नौकायान, चिड़ियाघर, रेलवे, म्यूजियम और गोरखनाथ मंदिर पर तमाम जगहों से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। इन सभी जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है और गाड़ियों को गोरखनाथ मंदिर और नौकायान तक नहीं जाने दिया जा रहा है और हैवी वाहनों को शहर में नहीं जाने दिया जा रहा है तथा 63 जगहों पर ट्रैफिक पुलिस तथा सिविल पुलिस की व्यवस्था की गई है तथा नौकायान पर CCTV कैमरा से भी निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है जिससे कि जनता अपना न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कर सके और किसी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो। उन्होंने जनता से अपील किया कि जनता ट्रैफिक पुलिस की सहयोग करे, अपना वाहन इधर उधर खड़ा ना करें। जहां पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं वहीं पर खड़ी करें ताकि अन्य नागरिकों को कोई असुविधा ना हो। शराब पीकर वाहन न चलाएं और स्टंट ना करें और किसी भी दुर्घटना से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक इंदु प्रभात सिंह ने कहा, पहले तो सभी गोरखपुर वासियों को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की और मैं उनसे अपील करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें, शराब पी के वाहन ना चलाएं और बेवजह के स्टंट मत करें गाड़ियों पे। आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग तमाम जगहों से आ रहे हैं, गैर जनपदों से भी आ रहे हैं, वो नौकायन है, चिड़ियाघर है, रेल म्यूजियम है और गोरखनाथ मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। इन सभी जगहों पे ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है और गाड़ियों को नौकायन तक, गोरखनाथ मंदिर तक या चिड़ियाघर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। उससे पहले ही डायवर्जन करा के उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और जो हैवी वाहन हैं उनको शहर में नहीं आने दिया जा रहा है। जो जैसे कि देवरिया की तरफ से जो आने वाली बसें थी वो सीधे मोदीपुर पर निकल रही हैं, अमर उजाला किराए पर ना निकल रखे। इसी तरह से पैडलेगंज की तरफ भी जो हैवी वाहन है उनको नहीं आने दिया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर की तरफ भी डायवर्जन लागू किया गया है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, गोरखनाथ मंदिर की तरफ भी वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा है। तो इस तरह से कुल 63 बिंदुओं पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था लगी है, साथ में सिविल पुलिस भी लगी हुई है। CCTV कैमरों की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पे नौकायन पे भी और गोरखनाथ मंदिर पे भी। पूरी पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है ताकि जनता अपना न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कर सके और उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। मैं चाहूँगी कि जनता इसमें हमारा सहयोग करे, बेतरतीब वाहन इधर उधर पार्क ना करे, जो पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं वहीं पर करे ताकि अन्य जो नागरिक आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। धन्यवाद। जी जनपदों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जो पार्किंग स्थल जहां चिन्हित किए गए हैं वहीं पे वाहन पार्क करें, इधर उधर ना करें ताकि किसी को असुविधा ना हो। शराब पी के वाहन ना चलाएं। प्रायः देखा गया है कि जो यंग लड़के होते हैं वो टू व्हीलर्स पे स्टंट करते हुए नज़र आते हैं, वो सब ना करें जिससे कि किसी को दुर्घटना का शिकार हो और एक अच्छे उससे नए साल का आगमन हो सभी के जीवन में और हर्षोल्लास का समय रहे।